मुख्य आरोपी ज्योति के पति पीयूष को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। कल कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अपनी ही पत्नी ज्योति की हत्या के आरोप में पीयूष को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने जैसे ही पीयूष को देखा उस पर हमला बोल दिया। पुलिस की जीप में बैठने के बाद भी पीयूष को वकील छोड़ने को तैयार नहीं थे। पत्नी की हत्या करवाने वाले पीयूष से वकील भड़के हुए थे। जबरदस्त हंगामे के बीच किसी तरह पुलिस पीयूष को वहां से निकाल कर ले गई। इस बीच सीसीटीवी की वो तस्वीरें भी सामने आ गईं, जिसमें आरोपी ड्राइवर अवधेश हत्या में इस्तेमाल चाकू खरीदते नजर आ रहा है। अवधेश ने 4 चाकू खरीदे थे जिसके पैसे पीयूष ने दिए थे। पुलिस के मुताबिक अवधेश ने 21 जुलाई को 2 चाकू खरीदे, उसके बाद 24 को 2 चाकू और खरीदे। वो चाकू जो खरीदा है वो 21 को एक बार बिग बाजार में जाके 2 चाकू खरीदा, पहले रेव मोती वाला। पुलिस ने सिर्फ चाकू के बारे में खुलासा नहीं किया, बुधवार की तरह एक बार फिर हत्या के आरोपियों को मीडिया के सामने बुलाया और उनके मुंह से हत्या की पूरी कहानी सुनवाई। ये रेनू है, ये आशीष है, ये अवधेश है, ये सोनू है, ये ग्रीन शर्ट वाला सोनू है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की प्लानिंग 2 जुलाई को शुरू हुई, जब पीयूष ने अवधेश को पत्नी की हत्या के लिए सुपारी दी। पुलिस के मुताबिक 50,000 रुपए देने की बात तय हुई थी और 2 किश्तों में पीयूष 30,000 रुपए दे भी चुका था। पुलिस के मुताबिक मामले को लूट की वारदात दिखाने के लिए पीयूष ने अवधेश से कहा था कि वो ज्योति की ज्वेलरी भी लूट ले। टॉप्स और जो भी उसका अंगूठी वगैरह थी, 3 अंगूठी और सोने की जो टॉप्स है वो इसने लेके वहां पे जहां पे गाड़ी पार्क किया था वहीं पे एक जगह पे छोड़ दिया था इसने, जो आज हमने बरामद कर लिया। इस मामले में ज्योति से लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद हो गई है, लेकिन हत्या में इस्तेमाल चाकू अभी तक नहीं मिला है। पीयूष समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विपिन चौबे, कानपुर, इंडिया न्यूज।